खबरों में बात करेंगे अलवर जिले की, जहां राजगढ़ में 3 मंदिरों को तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इस मामले में कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि करौली और जहांगीरपुर में आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे करीब 300 साल पुराने शिव मंदिर की मूर्तियां खंडित हुई। मंदिर तोड़े जाने की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि 17 अप्रैल को राजगढ़ के शिव मंदिर को तोड़ा गया। मास्टर प्लान के तहत कस्बे के गोल सर्किल से मेला का चौराहे के मध्य मार्ग में बाधा बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त करने को लेकर बुलडोजर चलाया गया। इसी क्रम में मंदिर को अतिक्रमण बताकर प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और उन्होंने मंदिर के गुंबज को तोड़ दिया। इसके बाद शिवलिंग को कटर की मदद से काटा गया। इस दौरान हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मंदिर तोड़े जाने की शिकायत लेकर हम कांग्रेस विधायक जोरीलाल मीणा के पास गए थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड भाजपा का बनाते हो और शिकायत हमसे करते हो। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि भाजपा को वोट देने के कारण उनसे बदला लिया गया, मंदिर और मकान इसी कारण तोड़े गए। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि विधायक जोरीलाल मीणा ने मंच से कहा था कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता, अब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से आएगा। आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है, आप 34 पार्षदों को मेरे घर ले आओ और कार्रवाई रुक जाएगी।